अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूट्यूब वॉच टाइम के लास्ट लेक्चर में आप लोगों का वेलकम हो। दोस्तों ये जो है लास्ट लेक्चर है जिसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा। जब आप लोग वॉच टाइम लगाते हो अपने IDP पे तो एक छोटा सा बग आता है, एक छोटा सा मसला आता है, उसको सॉल्व करेंगे। और साथ में जिस चैनल पे मैं काम कर रहा था तो आप लोगों को सीखते सिखाते उस चैनल का जो वॉच टाइम है तकरीबन 7,000 से ऊपर चला गया, मतलब 6-7,000 वॉच और उसका कंप्लीट हो चुका है। आज मैं देख रहा था तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मसला क्या आता है। ठीक है, तो मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी अगर आप लोग देखें तो मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर अगर मैं व्यू मोर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं रियल टाइम व्यू पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं रियल टाइम 60 मिनट व्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देख सकते हो तो ये तकरीबन मैंने रात में लगाया था तो यहाँ पर जो व्यूज़ आ रहे थे वो 200+ आ रहे थे। अभी 56 व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब 60 मिनट में 56 व्यू आ चुके हैं। और अगर इसका वॉच टाइम में अगर मैं देख लूँ तो रियल टाइम वॉच टाइम जो है इसका तकरीबन 5.8 आवर्स आ चुके हैं, तो ये कम है मेरे लिहाज से, क्योंकि इसमें जो है जब मैं ये लगाया था तो बहुत सारे ब्राउज़र इसमें स्लीप हो चुके हैं, तो इसके लिए एक सोल्यूशन है। तो चलो चलते हैं उस सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, तो इसका रीज़न क्या है, क्यों ये जो है स्लीप हो गए ब्राउज़र्स, ये अभी आप लोगों के सामने ये नज़र आ रहे हैं तो देखो इसमें वेट आ गया है और ये ब्राउज़र जो है सारे स्लीप हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जो है इसमें एक और एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये स्लीप नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आप मतलब 4-5 घंटे बाद देखते हो और ये स्लीप हो चुके हैं, मतलब आप अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर लिया करो अगर वॉच टाइम कम आ रहा है या फिर इसके बाद इसके व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पर इसको ओपन करना देना है। लेकिन ये एक एक्सटेंशन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो इंस्टॉल करते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने 4 घंटे या 5 घंटे बाद अगर आप इसको ओपन करते हो अपने सारे ब्राउज़र स्लीप हो जाए कि आपकी व्यूज़ नहीं आ रहे तो आपने इसके साथ फिर क्या करना है। तो यहाँ पर ये एक्सटेंशन जो है आप लोग ज़रूर इंस्टॉल कर ले, जिसका नाम है ऑटो ट्यूब TUBE। ठीक है, ऑटो ट्यूब नाम का ये एक एक्सटेंशन है जो लाजमी आप लोग इंस्टॉल कर ले अपने तमाम उसमें ब्राउज़र्स में। ठीक है, ये नीचे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं तकरीबन इस टाइम में 50+ ब्राउज़र्स लगा चुका हूँ और मुझे अच्छा खासा वॉच टाइम मिल रहा है। ठीक है, ओके, अभी जो एक्सटेंशन है वो मेरे पास जो है वो हो चुका है। अच्छा, इस एक्सटेंशन का क्या काम है मैं आप लोगों को थोड़ा बताता चलूँ। ये एक्सटेंशन जो है ये ऑटो लूपिंग चलाता है। अगर कभी कहीं पर भी आपका ये लूप जो है आपसे बंद रह गया या फिर आपकी वीडियो पे कोई मैसेज आ रहा हो कि आर यू देयर या फिर पॉज हो गया हो, तो ये एक्सटेंशन क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली ऑन कर लेता है आपके लिए। ठीक है, तो बस ये एक्सटेंशन जस्ट आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। इसके बाद जब आप लोग अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हो, ठीक है, और ये सारे एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल किया हो, ये वाला एक्सटेंशन, ठीक है, और ये वाला ऑटो HD भी आप लोगों ने इंस्टॉल किया होगा, तो आपने ऑटो HD पे क्लिक करना है और सबसे नीचे जो है 144 जो इसकी क्वालिटी है उस पर क्लिक कर देना है। तो ऑटोमेटिकली जितने भी ब्राउज़र्स आपने लगाए हैं, इस टाइम मैंने कितने लगाए हैं, इस टाइम मैंने थ्री ब्राउज़र इस पर लगाए, मतलब 3 टैब्स लगाए हैं, तो इन तीनों टैब्स में ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन यह एक मसला दे रहा है, क्या कह रहा है कि ये रिस्पॉन्स नहीं करे, यही मसला आता है जब 4-5 घंटे ऑन हो तो आपका ये जो ब्राउज़र होता है वो रिस्पॉन्स नहीं देता, अनरिस्पॉन्सिव बन जाता है। तो फिर इसके लिए आप एग्जिट पे, पेज एग्जिट पे मैं एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो पेज एग्जिट पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली सारे एक दफ़ा रिफ्रेश हो गए हैं, देखो तीनों जो है रिफ्रेश हो गए हैं और अब ये वन बाय वन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो फर्स्ट वन स्टार्ट हो गया, अब ये सेकेंड वन पर मैं चेक करता हूँ तो सेकेंड वन भी अभी स्टार्ट हो जाएगा और इसी तरीके से थर्ड वन भी देखो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर आपने सेकंड ब्राउज़र पे आना है और उसमें भी आपने ऑटो HD पे क्लिक कर देना है और ऑटो HD पे 144 कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप 144 करते हो तो ये जो है आपके ब्राउज़र ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रिफ़्रेश हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखो अभी ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ, सही है, तो इन तमाम को मैं कर लेता हूँ वन बाय वन, जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ।
और फिर जो है क्या करता है, इसको मैं कर लेता हूँ, मैं वीडियो को पोस्ट कर लेता हूँ, इन तमाम ब्राउज़र को मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ, फिर चाहते हैं फिर चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं कि इसका व्यू बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ ब्राउज़र का रिफ्रेश कर लिया, तमाम का तो नहीं कर सका, तो वीडियो बना रहा था इसलिए अभी मैं उसको बाद में कर लूँगा। लेकिन ये आप देख सकते हैं रियल टाइम जो व्यू है 78 तक पहुँच गए। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो 82 तक है, और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता जाऊँ तो ये बढ़ते जा रहे, देखो 86 तक पहुँच गए हैं। मैं एक दफ़ा इसको फिर रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो, अगर मैं बार बार रिफ़्रेश करूँगा तो ये बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर इसका रियल टाइम वॉच टाइम को अगर मैं चेक कर लूँ तो वो भी बढ़ना स्टार्ट हो चुका होगा, 6.7 आवर्स जो है हो गए, हालांकि ये 2 मिनट भी नहीं हुए कि मैं इसको रिफ़्रेश कर चुका हूँ। अभी जो लास्ट चीज़ आप लोगों को दिखानी थी वो ये है कि इसका जो वॉच टाइम है वो पूरा हो चुका है, तो अभी 28 डेज तो मैंने इस पर काम कर लिया, तो तकरीबन कुछ 1500 घंटे इस पर मैंने बढ़ा दिए, आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसके रियल टाइम लाइफ टाइम वॉच टाइम में चला जाऊँ तो उस पर तकरीबन 7900 तकरीबन प्लस बस 800 समझ लेना, 8000 समझ लेना, तो इस पे जो है तकरीबन 8000 वॉच टाइम जो है मैं ला चुका हूँ, जो कि डबल हो गया, 4000 चाहिए जो मैं इस पे 8000 ला चुका हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। तो इसके अलावा और तो कुछ नहीं है दिखाने को आप लोगों को, यहाँ पर आप लोग रियल टाइम व्यू देख सकते हो जो आ चुके हैं, और ये वही चैनल है जिस पे मैंने फर्स्ट डे पे काम शुरू किया था और आज आप लोग इसका देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, इस चैनल का वॉच टाइम पूरा हो चुका है और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि A to Z आप लोगों को सिखा दूँ, और इंशाल्लाह जब ये कोर्स आप करोगे तो बहुत जल्द ही आप महीने का 1-1.5 लाख आसानी से कमा सकोगे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करके, और आपका चैनल आप अपना 4 दिन में 5 दिन में अपने चैनल का वॉच टाइम पूरा कर लोगे। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला आ रहा हो, तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हो। और इसके अलावा यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है जो कि मैं अभी आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ, हमजा यूसुफ डे। जब आप लोग यूट्यूब में सर्च करोगे तो मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, उसमें आप जा कर के सब्सक्राइब कर सकते हो। ये फर्स्ट जो चैनल आ रहा है हमजा यूसुफ डे, ठीक है, तो इसमें भी बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ आप लोगों को मिलती है, वो जो है उसके लिए भी है, डिजिटल मार्केटिंग के भी है, और भी बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोज़ आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर टाइम मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, इस चैनल को, और विज़िट ज़रूर कर लेना, ठीक है। और इसी चैनल को भी मैंने खुद ही जो है उसका वॉच टाइम पूरा किया है, और इसका जो है मैंने जो सब्सक्राइबर्स है वो तो खुद ही आ चुके हैं, लेकिन इसका वॉच टाइम मैंने खुद पूरा किया है। तो स्टूडेंट्स, हमारा और आपका जो साथ था वो यहीं तक था, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।